हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदुत्व ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग है दिवाली के ऊपर, पर दिवाली बनने नहीं रही है क्योंकि अभी आज चल रहा है हमारे घर में काम। तो मैं आपको काम वाम दिखाता हूँ, मैं आज आपको क्या काम चल रहा है। ठीक है, जस्ट वेट। जैसे कि अभी आपको ड्रिलिंग का बता रहा होगा, हो रही है ड्रिलिंग, ड्रिलिंग हो रहा है। तो अभी चलते हैं छत पे, क्योंकि कल जो स्टैंड लेके आए थे तो वो अभी यहाँ पहुँच चुका है, और वो भी बताऊँगा कितनी भयंकर से पहुँचा है। 6 से 7 लोग ने मिल के पहुँचा है, और ये है हमारा सोलर, और ये स्टैंड खड़ा हो गया स्टैंड, और ये काम कर रहे हैं। तो जो ये स्टैंड है ये 63 किलो का है, पता था करा 63 किलो का है, और 63 किलो को 3 मंजिले पहुँचाने के लिए 6 से 7 लोग लगे टोटल मिला के। हम सब मिलके 6 से 7 लोग ने मिलके उठाया इसको, वो भी उस एरिया से, यहाँ से पहले यहाँ तक लेके आए खेत में, फिर खेत से उठाया है भाई साहब, से उठाया है सीधे उस मंजिल से वहाँ टैंकी। चलते पहले नीचे, नीचे अंदर रुक चुकी आज होने आ रही रिनोवेटिंग, और अभी यहाँ लगाना है प्राइमर, इसमें प्राइमर लगेगा अभी, मैं लगाते प्राइमर लगाता हूँ। तो अभी ये हो रहा है तुड़ाई फुड़ाई, यहाँ पे बनेगा लैट्रिन बाथरूम, और यहाँ पे बनने वाला दरवाजा, यहाँ तो बेड ड्रिलिंग, तब यहाँ पे ड्रिलिंग करके निकाला जा रहा है इसको। तो अभी यहाँ पे रिनोवेटिंग का काम चलने वाला है, नहीं चल ही रहा है मतलब। तो अभी पहले थोड़ा काम हम बताते हैं प्राइमर का। तो फाइनली गाइस सारा काम हो चुका है, और दिखाया था मैंने जैसे कि प्राइमर वाइमर सब चढ़ा दिया है, ये इसमें बस प्राइमर ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे बचा है, बाकी तो वैसे हो चुका है सारा काम। तो अभी लंच टाइम हो गया है, लंच वंच करते हैं, फिर दिखाता हूँ कितना काम हुआ है घर में। ठीक है, इसको तो गाइस खाना खा के आ चुका हूँ, थोड़ा टाइम लग गया। तो जैसे कि देख सकते हो पीछे सजा रखा है, थोड़ा सजाया आज घर देख लो, बट जो इसमें लाइटनिंग लगी है ये पुरानी लाइटनिंग है, कोई नया नहीं लिया है। ठीक है, तो अब सीधे चलते हैं सबसे पहले सोलर चेक करने, चलिए जो सोलर लगने वाला था वो कितना लगा है या लग गया है। आई थिंक पूरा लग चुका होना चाहिए, क्योंकि सुबह से काम चल रहा था और अभी तो टाइम हो गया है 4:30, 3:30 से ऊपर टाइम हो गया। तो हाँ, तो ये लग चुका है, ये वहाँ का ये पाइप इतना बड़ा छोड़ रखा है, पता नहीं इतना बड़ा कि छोड़ा है, समझ नहीं आया, बहुत ही बड़ा छोड़ा है। तो ये तो काम हो चुका है पूरा, तो अब देखते हैं सोलर का काम तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये सही हो गया, तो अब गीजर वीजर रिमूव हो गया होगा शायद, गीजर वीजर, क्योंकि अब सोलर से गर्म पानी आ रहा होगा तो गीजर तो रिमूव होना ही चाहिए। तो पहले बाथरूम देख लेते हैं, बाथरूम देख लेते हैं, देखो ओ गीजर तो रिमूव हुआ नहीं है, और ये इसमें नया शावर लग गया है, लॉन्ग गीजर का सिर्फ पाइप ही वायर ही हटाया है बस, गीजर रिमूव नहीं हुआ है, बस उसका वायर रिमूव कर रखा है,
ताकि मेरा गीजर यूज ना कर सके। अब चलते हैं नीचे को। ओ ये क्या हो गया, खड्डा तोड़ाई हो गई भाई, तो पूरा खड्डा कर दिया है तो पूरा ड्रिल कर दिया है, ड्रिलिंग हो चुका है, चुनाई हो रही है। यहाँ पे बनेगा दरवाजा, तो अभी काम बहुत है, मतलब हमारा काम तो सिर्फ जितना है इतना किया था हमने काम सारा। तो अभी बच चुका है 5 और मैं आपको दिखाता हूँ आज का कितना काम हुआ है, आज सिर्फ डे फर्स्ट का कितना काम हुआ है। ये देखो यहाँ तो कुछ नया नहीं हुआ है, टुड़ाई फुड़ाई उतना ही है, यहाँ हुआ है थोड़ा सा चिनाई दिख रहा होगा आई थिंक। तो आज तो सिर्फ इतना ही है और आज का दिन इतना बिजी है, भैंस की आँख साला सुबह से वो स्टैंड को ढो सीधे ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर में, वो भी डायरेक्टली सी बाई सीढ़ी सीढ़ी उठा के नहीं सीधे खींचना है भैंस चड्डी ऊपर तक, कैसे खींचा है 6-7 लोगों ने मिल गए हो तो जानते हैं रे। और फिर लिपाई पुताई करके फिर उसके बाद इसको देख रेख रिनोवेटिंग करना, ये सजावट, ये लाइट्स का सजाना, सारा काम। दिवाली तो ऐसी बन गई आज की, दिवाली में दिवाला निकल गया है। तो आज का पटाखे तो कुछ सिस्टम है नहीं, आज घर ने तो लाए नहीं है, तो नहीं है वीरान पटाखे में। तो गाइस ये बज चुके हैं 6:30 और बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं पहले आपको। देखो लाइटनिंग स्टार्ट हो चुकी है, लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, लाइटिंग शुरू हो चुकी है सबका, एकदम बढ़िया दिवाली बन रहा है। अपना घर में भी सजा दिया है, दिए भी जल रहे, दिए भी जला दिए हैं। तो मैं आपको अब नीचे का दिखाता हूँ जहाँ आज काम चल रहा था हमारा। तो अभी भी काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है। वह सीन है 6:30 से ऊपर बज चुका है और अभी भी काम चल रहा है और लोगों ने पटाखे फोड़ने स्टार्ट कर दिए। हमारे तो पटाखे नहीं आए ना इस बार, आज ही लाए पापा लेके आए, अब भी लाए। क्यों लाए थे पापा पटाखे? तो पापा भी पटाखे आज ही लेके आए हैं, और भी ज़्यादा नहीं छोटा मोटा आए हैं। अब मैं तो चलाऊँ, मैंने मैं चलाता भी नहीं पहले से ही, पापा चलाते हैं मतलब अच्छी भाई लोग चलाते हैं। तो अब देख लो यहाँ का सीन नज़ारा, यहाँ से क्या तगड़ा लग रहा है, नज़ारा कह रहे पटाखे भी फूटने लग गए हैं अभी से भाई। तो अब है ऐसा सीन कि अब होने वाला है थोड़ी देर में पूजा पाठ होगा, फिर उसके बाद छोटे भाई लोग पटाखे फोड़ेंगे और मैं क्या करूँगा वीडियो एडिटिंग, और कुछ काम नहीं मेरा तो ब्लॉग बना कर एडिटिंग करना है। तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पीस आउट।